हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक पर्ल में। आज हम बात करने वाले iQOO 9 मोबाइल के बारे में, जो कि पिछले साल iQOO 7 मोबाइल आया था और वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा धमाल मचा दिया था। और इस बार उसका बड़ा भाई आ रहा है iQOO 9। और iQOO 9 के बारे में बात कर ले तो वो बहुत ज्यादा हाई फाई स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है। और गेमिंग के लिए मोबाइल बहुत ही ज्यादा ढांचा होने वाला है, क्योंकि इसका हर एक चीज बहुत ही ज्यादा हाई है, जो कि प्रोसेसर की बात कर ले, रैम की बात कर ले और ग्राफिक्स की बात कर ले तो बहुत ही अच्छा सब कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम iQOO 9 के बारे में ही सारा बात करेंगे कि इसके फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके की स्पेक के बारे में बात कर ले तो इसमें जो रैम आपको मिलेगा 8GB का आपको रैम देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन वाला है, आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और रियर कैमरा की बात कर ले इसमें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा इसमें आपको 50MP प्लस 13MP प्लस 12MP का देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको 4700mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी। ये पावरफुल बैटरी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको वीडियो में बीच में पता चल जाएगा पावरफुल बैटरी 4700mAh की कैसे हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसमें 6.78 इंचेस की काफी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर ले तो इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको आर्किटेक्चर जो इसमें 64-bit का आपको देखने को मिल जाएगा। फैब्रिकेशन ये 4nm पे बेस्ड, काफी मक्खन चलने वाला ये मोबाइल। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको एड्रेनो 730 का ग्राफिक्स आपको मिल जाएगा। और इसमें LPDDR5 का रैम टाइप देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा है यार, ये बहुत ही मक्खन चलने वाला ये मोबाइल है। उसका परफॉर्मेंस सच में बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है। आप आगे वीडियो में देखते रहिए कितना स्पेसिफिकेशन इसका कितना हाई है और काफी मजेदार ये मोबाइल है यार। तो हम बात कर लेते हैं अब डिस्प्ले के बारे में। इसका जो डिस्प्ले है एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। और स्क्रीन साइज की हम बात कर ले तो इसमें आपको 6.78 इंचेस की काफी बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। यही हम पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो इसमें आपको 388 PPI देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा है यार। और iQOO इस बार अपने मोबाइल में काफी अलग लुक दे रहा है। स्क्रीन जो इसका डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा विद पंच होल कैमरा के साथ। और ब्राइटनेस की हम बात करें तो इसमें 1500 nits आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी हाई है यार। और इसका जो रिफ्रेश रेट है 120Hz का रिफ्रेश रेट, तो काफी स्मूथली चलने वाला है यार मोबाइल। तो हम इसके रियर कैमरा की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपको कैमरा मिल जाएगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा की बात करें इसमें आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। सेकेंडरी कैमरा 13MP प्लस 12MP का देखने को मिल जाएगा विद डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ। और इसके कैमरा में ऑटो फोकस दिया गया है, फेस डिटेक्शन दिया है, तो बहुत कुछ इसके कैमरा में आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग 3840x2160 रेजोल्यूशन पे आप 30fps पे कर सकते हैं और 1920x1080 रेजोल्यूशन पे आप 30fps पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्या पता अपडेट के बाद आपको 60fps या फिर 90fps भी मिल सकता है। यही हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा सिंगल देखने को मिल जाएगा विद पंच होल कैमरा के साथ और 16MP का फ्रंट कैमरा है। यही हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें जो फ्रंट कैमरा से है तो 1920x1080 रेजोल्यूशन पे आप 30fps पे कर सकते हैं और 1280x720 रेजोल्यूशन पे आप 30fps भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और शायद इसमें भी अपडेट में कुछ तो अपडेट लाएगा, कुछ अपने 30fps को 60fps पे करना चाहिए और मे भी अपडेट में आपको 60fps या फिर 90fps देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो बैटरी इसका 4700mAh की काफी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी। और ये जो बैटरी टाइप है ली पॉलीमर का ये बैटरी है और इसका जो बैटरी है रिमूवेबल नहीं है। क्विक चार्जिंग का सपोर्ट है यार इसमें, 120W का आपको चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 0 से 100% तक चार्ज से 13 मिनट में ये कंप्लीट कर देगा, जो कि काफी अच्छा है। और इसका जो चार्जिंग जाएगा वो आपको सी टाइप में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। इंटरनल मेमोरी इसमें आपको 256GB देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं दिया गया है, उसके जगह पे आपको USB OTG का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम मल्टीमीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। मल्टीमीडिया में इसमें FM रेडियो का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। सपोर्ट मींस कि FM रेडियो इसने दिया ही नहीं है। और जहां तक मेरी बात है कि FM तो आपको देना ही चाहिए था, क्योंकि पुराने गाने जो मोहम्मद रफी के होते थे, अल्ताफ राजा के होते थे और बहुत सारे फेमस जो सिंगर, उनके गाने सुनने का काफी अलग ही मजा आता था FM पे। फिलहाल अभी बहुत सारे नए सिंगर आ गए हैं, जैसा कि हो गया बचपन का प्यार और हाल ही में चल रहा है जो ट्रेंड में चल रहा है वो है कच्चा बादाम।
तो आजकल वो गाना सुन रहा है एफएम पे, कोई सुन नहीं रहा था शायद, इस वजह से एफएम रिमूव कर दिया उसने। क्या बोला तूने? और ऑडियो स्पीकर की बात करो तो इसमें अच्छा खासा आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी लाउड है। दोस्तों यही हम ऑडियो जैक की बात करें तो जो पहले 3.5 एमएम का जैक देता था उसके जगह पे यहाँ पे सी टाइप का आपको जैक देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में हम बात कर ले तो इसमें आपको ऑन स्क्रीन आपको फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अदर सेंसर की हम बात कर लेते हैं, इसमें आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, कंपास, जायरोस्कोप, ये सब कुछ इसमें दिया गया है तो काफी अच्छा है। और दोस्तों ये आईकून 9 मोबाइल इतना हाई क्यों? क्योंकि इस मोबाइल का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई है, इसका स्पेसिफिकेशन जो की बहुत ही अलग लेवल का है। और इसका जो चार्जर 120 वाट का दिया है जो की 12 मिनट में आपको 0 से 100% तक फुल चार्ज कर देता है, इसी वजह से बहुत ज्यादा ये मोबाइल हाइप में है। और आईकून 9 मोबाइल जो कि 23 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, और लॉन्च होने के बाद देखना आईकून 9 जो ही धमाल मचाता है मार्केट में, यार क्या ही बताऊं मैं आपको, सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।